बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी बयानबाजियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर से बयानों के निशाने पर है नीतीश कुमार। लोजपा और जेडीयू के बीच जो तनाव है उसे आप अब तक भली भांति समझ चुके हैं। रविवार को लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार पर फिर से बयानों के तीर चलाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन कोई ईमानदार गठबंधन नहीं है, इसी वजह से बीजेपी और पीएम मोदी के पोस्टरों में से नीतीश कुमार का चेहरा नदारद है। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने को अपना निशाना बनाया और कहा कि इस गठबंधन में ईमानदारी की कमी है, क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को चुनौती दी थी क्योंकि वो खुद पीएम बनना चाहते थे। वो आज बीजेपी के साथ हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए वो 2024 में महागठबंधन के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार के नए स्लोगन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर चिराग पासवान ने कहा कि ये नीतीश कुमार के जुमले हैं जो मौजूदा आरक्षणों को लागू करने में भी नाकाम रहे हैं। चिराग पासवान ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने दैनिक भास्कर की एक खबर शेयर की जिसमें लिखा है कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेडीयू के भागलपुर सांसद अजय मंडल गठबंधन विरोधी काम कर रहे हैं। इसके साथ चिराग पासवान ने यह भी लिखा कि नीतीश कुमार जी व उनके नेता भाजपा की सीटों पर भीतरघात कर रहे हैं। जहां भी लोजपा चुनाव नहीं लड़ रही है वहां सभी बिहारियों से अपील है कि भाजपा के प्रत्याशियों के साथ मजबूती से खड़े रहें। नीतीश कुमार मुक्त बिहार, नया व युवा बिहार बनाने के लिए लोजपा भाजपा को आशीर्वाद दे। वैसे चिराग पासवान अकेले नहीं जो अपने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। रविवार को पटना के मीठापुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक अलग ही अंदाज में नीतीश कुमार पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कूड़े के ढेर पर खड़े होकर कहा कि नीतीश सरकार ने पूरे बिहार को कूड़े के ढेर पर बैठा दिया है। नीतीश भाजपा की 15 वर्षों की सरकार में आलम यह है कि यहाँ की हवा प्रदूषित हो चुकी है और पानी पीने के लायक नहीं बचा। पटना सहित 11 शहरों के पानी में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पैदा करने वाला यूरेनियम की मात्रा है। लोगों की जान पर खेलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नायक का मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जुमलेबाज और धोखेबाज की जोड़ी ने पूरे बिहार के लोगों का जीवन नरक बना दिया है। इस साल की स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख की आबादी वाले देश के 47 शहरों में पटना सबसे गंदा शहर है। ग्रीन ट्रिब्यूनल की टिप्पणी का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने कहा है कि बिहार में इमरजेंसी की हालत है। हवा की गुणवत्ता के मामले में पटना तीसरा सबसे खराब हवा वाला शहर है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में हर साल 4,000 लोग प्रदूषित हवा के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अब देखना यह है कि कूड़े के ढेर पर खड़े होकर दिए गए इन बयानों पर जेडीयू का क्या जवाब सामने आएगा। इस खबर में इतना ही। आपकी स्क्रीन पर डोनेशन की जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से हमारी टीम तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।